नमस्कार, सुबह है, सुबह के 7:15 बज रहे हैं और हम लोग कोई ऐसी जगह पर आए हैं जो शायद बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या चल रहा है और क्या क्या होने वाला है। ठीक है, हम लोग असल में मेरे घर के पास में एक जगह है कोटापुली, और कोटापुली में यहाँ छोटा सा हार्बर कह सकते हैं वो है। यहाँ मछुआरे जाते हैं नाव में और मछली पकड़ करके लेकर के आते हैं। तो हम लोग वहाँ आए, अभी नाव के आने का टाइम हो गया, एक नाव आ गई है तो उसको अभी ऊपर खींचने वाले हैं, तो मैं वो सब आपको भी दिखाऊंगा। ठीक है, और मछली आएंगी वो सब हम लोग वीडियो शूट करेंगे, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग इन्जॉय कीजिए। चलिए, ये जो नाव दिख रही है ये वाली, ये अभी इन्होंने खींची है, वो ट्रैक्टर से, उसके पीछे में एक ट्रैक्टर खड़ा है, ये आप देख रहे हैं वाला ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर से ही ऐसे खींचते हैं। तो वो देखो खींच रहे अभी भी थोड़ा थोड़ा, तो वो ट्रैक्टर से खींच करके उसको सही जगह पे खड़ा कर रहे हैं। और अभी ये समुद्र में आप देखो आगे में इधर उधर का दिखाई दे रहा हो, उधर में वो सब मछली पकड़ने के लिए गए हुए वापस लौट रहे हैं, तो ये सब अभी आने वाले हैं। जैसे ये लोग यहाँ आते हैं तो इनको खींच करके ट्रैक्टर से लगा देंगे बोट उस किनारे से। अभी ये बोट लगी हुई देखो, दो बोट हैं, तो ऐसे ही वो बोट लगा देंगे किनारे से और फिर इसमें मछली आ करके ये जो हार्ट जैसा दिख रहा है यहाँ पर, ये टूट लगते हैं, लगाते नहीं है नॉर्मली, और यहाँ आकर के फिर बिक्री होती है, तो वो होलसेल के हिसाब से बिक्री होती है। जो मछुआरे हैं वो लेकर के आते हैं मछलियों को, उनके अपनी बोली रहती है, और फिर यहाँ पर जो लोग शॉपकीपर्स हैं, जो लोग बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लोग फिर आकर के उनकी बोली लगा करके लेकर के जाते हैं। चलिए, अभी ये ट्रैक्टर जा रहा है, तो ये ट्रैक्टर देख लीजिए, तो अभी और आने वाली हैं, जैसी वो आएंगी फिर मैं अब आगे का वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए सामने से वो बोट आ रही है, वो वापस आ रही है, अभी वो ना सीधे नहीं आते हैं, वो लहरों के हिसाब से घूम घूम करके आते हैं। पहले वो स्ट्रेट आया, अभी वो क्या बोलते हैं मुड़ेगा हमारी साइड में, जहाँ उसको अच्छा दिखेगा, मतलब उसको अपने हिसाब से ये मोड़नी शुरू कर दी है, ये मोड़ दी, अब ये सीधा आएगा। तो ये तो किस तरीके से आते हैं, आने का तरीका देखिए, अभी सब बोट जितनी भी हैं, जितनी भी बोट्स हैं यहाँ पे समुद्र के अंदर में, वो सब वापस आती धीरे धीरे, एक एक करके सब वापस आएंगी। ये आ गई, अभी एक बार और एक घुमाएंगे। इसमें ना बीच में कुछ चट्टानें भी हैं, इसमें आप देखेंगे इधर में कुछ चट्टानें भी नज़र आ रही हैं, तो इसकी वजह से भी ये लोग घूम करके आते हैं, इनको आइडिया होगा। तो पहले जो बोट आई थी वो भी इसी तरीके से आई थी, अभी ये लोग भी ऐसे ही आ गए हैं। बस यहीं तक ही आएगा, यहीं वापस लेंगे इसको, शायद इनकी इधर ही जगह है। अभी उन्होंने पीछे जो मोटर था प्रोपेलर वो निकाल दिया है, ऊपर कर दिया, मतलब अब डंडों की सहायता से इसको किनारे पे लेके आ रहे हैं। तो अभी एक ट्रैक्टर आएगा, जैसे पहले खींचा था वैसे ही इसको वापस भी खींच लेंगे। ये सूखी ज़मीन पे थोड़ा सा ले आए हैं, लेकिन फिर भी क्या पानी की लहर जो ज़्यादा आती है तो वापस बोट चली जाती है, तो पकड़ पकड़ खड़े रहेंगे जब तक कि ट्रैक्टर नहीं आता है। आने वाला होगा, तो ये जो ट्रैक्टर खड़ा था मैंने पहले दिखाया था ये वही है, अब ये लेने के लिए आएगा। आगे मैं इसलिए जा रहा हूँ कि तो पेड़ की छाया है, और नहीं तो क्या होगा कि उससे वैसे जैसे फेड हो जाएगा, ये वीडियो सही से आ नहीं पाएगा। उसने वहाँ खड़ा कर दिया है, उसमें से एक हुक है, वो हुक खींच करके ला रहा है, देखता हूँ आगे से शायद दिख जाए। सूरज की रोशनी आएगी ना कैमरे के सामने तो उतना अच्छा आएगा, नहीं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये लगा दिया हूँ।
अब वो उसको खींचेगा। स्ट्रीट लाइट वाली लाइट रहती है वो भी लगाई हुई है बोर्ड पर। चलिए और बोर्ड्स आएंगे तो उनको भी देखते हैं। वो जो बोट आई है वो वाली जो पीछे इसके पीछे खड़ी है उसमें अभी दो टोकरी ही मछली निकाली इन्होंने। ये देखिए खाली टोकरी लेकर के घूम रहा है वो, वापस जा रहा है। लग रहा है कि माल आया नहीं। और जो इधर वाली है वो लोग भी अपना जाल इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, तो लगता नहीं कि उनको भी मछलियाँ मिली हैं। हो सकता है कि आज इनका ड्राई डे नहीं मिल पाया हो। आगे की वो नाव हैं वो सारी वहीं की वहीं अभी आ नहीं रही हैं, तो उम्मीद नहीं है कि कब तक आएंगी। ज़्यादा देर हम लोग भी नहीं रुक पाएंगे, तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर मछली आती हो यहाँ पर थोड़ा हाट लगता और तो बिक्री होती तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता, एक वीडियो बन सकता था अच्छा था। फिर कभी सही, मैं तो इधर ही हूँ तो फिर कभी आ करके एक बार वीडियो बना करके जाऊँगा। चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं।